हेलो अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप सब उम्मीद हैं आप सब खैरियत से होंगे आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लेके आया हूँ इसका नाम है अंडे वाला सैंडविच ये बहुत ही लजीज बहुत ही मज़ेदार बहुत ही उम्दा बहुत ही आला रेसिपी है ये देखें दिखने में कितना ज़बरदस्त किस्म का लग रहा है और सबसे बड़ी बात ये झटपट तरीके से तैयार हो जाने वाला सैंडविच है हम अपना रोज़ ब्रेकफास्ट करते हैं क्यों ना अपने ब्रेकफास्ट को इंटरेस्टिंग बनाएं मज़ेदार बनाएं उमदा बनाएं लजीज बनाएं यह देखें देखने में भी कितना आला लग रहा है जो चीज़ देखने में अच्छी लगती है ना उसको खाने में भी उतना ही मज़ा आता है क्यों ना अपने ब्रेकफास्ट को मज़ेदार बना लें अब सबसे बड़ी बात सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें बेल आइकन को दबा लिया करें ये आपकी तरफ से प्यार होता है अगर तो आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें चलें अब इसको बनाते हैं इसको बनाने के लिए आपने क्या करना है दो अंडे ले लेने हैं एक चीज़ का स्लाइस ले, ले लेना है और ब्राउन ब्रेड के दो ब्रेड ले लेने हैं कोशिश किया करें ब्राउन ब्रेड यूज़ करें जो वाइट ब्रेड होती है वो मैदा होती है वो आपको फुलाती है ये हमारी सब्जियाँ हैं कुछ मसाले हैं ये देखें थोड़ा सा नमक हंसवा जायका आधा चम्मच आपके पास ये लाल मिर्चें हैं ये थोड़ा सा आपके पास चिकन पाउडर है ये टमाटर है ये ग्रीन प्याज है ये शिमला की मिर्च है और थोड़ी सी थोड़ी सी आपके पास ग्रीन चिली है ये देखिए सारा मटेरियल ये इसके अंदर डलेगा फिर जो आपके पास दो अंडे थे आपने इसको इस तरह तोड़ के इसको अच्छी तरह फेंट लेना है और अगर तो आपने अभी तक सब मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी आप मुझे सब्सक्राइब कर लें ये आपकी तरफ से प्यार होता है साथ ही आपने अंडे के अंदर ये सारा मटेरियल इसके अंदर डाल दें और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें यह देखिए कितना कलरफुल सा अंडा आपका बन जाता है ग्रीन येलो और जो रेड कलर का आता है और ये जो टमाटर हैं ये क्या ज़बरदस्त किस्म की आपकी लुक आती है फिर आपने प्यारा प्यारा एक तवा लेना है तवे को गर्म कर लेना है गर्म करने के बाद आपने इसमें तीन चम्मच ऑयल के डाल देने हैं डालने के बाद आपने इस तरह उसके ऊपर अंडा डाल देना है डालने के बाद जो आपके पास दो ब्राउन ब्रेड थी वो आपने इस तरह डाल के इसको पलट देना है एक दफ़ा और इसको दो मिनट के लिए पकने देना है ताकि अंडा अच्छी तरह बन जाए बनने के बाद ये देखिए आपका अंडा तकरीबन नीचे से पक चुका है आपने ऊपर से एक स्लाइस डालनी है और इसको इस तरह पलट देना है जिस तरह मैं वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ और दिखाने के बाद आपने इसको दो मिनट और बनने देना है ताकि अगर कोई अंडा कच्चा रह चुका है अंदर और जो सबसे बड़ी बात है जो आपने चीज़ स्लाइस डाली है वो अच्छी तरह पक जाए एक चीज़ याद रखिएगा चीज़ आपको फुलाती नहीं है इसके अंदर बहुत मिनरल्स होते हैं जैसे दूध का एक गिलास होता है सेम टू सेम वही होती है लोंग का एक उनसे बना हुआ है चीज़ आपको मोटा करती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है हाँ हर चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल से आपको वो चीज़ मोटा कर देती है देखें ये हमारा अंडा सैंडविच बन चुका था अब आपने इसको किसी कटर के ज़रिए इसी तरह काट लेना चार हिस्सों ये देखें ये कितना चीज़ी सैंडविच बना कितना ज़बरदस्त किस्म की लुक दे रहा है अब आपने इसकी थोड़ी सी प्रेजेंटेशन कर लें ये झटपट तरीके से तैयार हो जाने वाला सैंडविच है ज़रूर अपने घरों में ट्राई करें ये देखें कितना मज़ेदार किस्म की लुक दे रहा है कितना चीज़ी है कितना लजीज़ है आप अपने ब्रेकफास्ट को इंटरेस्टिंग बनाएँ मज़ेदार तरीके का बनाएँ इस तरह खाएँ ये देखें ज़बरदस्त बनाएँ और अपने फैमिली में बच्चों को तो अगर आप इस तरह बना के देंगे वो बड़े शौक से खाएँगे बड़ों को भी खाए खिलाएँ वो भी बहुत शौक़ से खाएँगे चले मुझे इजाज़त दें दुआओं में ज़रूर याद रखेगा शब्बा ख़ैर अल्लाह हाफिज़